हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेलमाकर। आज से 9 दिन हो चुका है और आज मैं रिटर्न मुंबई आ रहा हूँ। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, तो मुंबई तो रिटर्न आना ही होगा। और यहाँ से सेलम से मैं बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रहा हूँ और आप लोग के साथ भी 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो मैं फर्स्ट टाइम पौड़ी में नहाते वक्त जो मुर्गन का स्टैचू वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, ये सब चीज़ अपने वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड किया रहूँगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देखे नहीं हो तो ऊपर दे आई बटन में आके जाके क्लिक करके देख सकते हो। और मैं भी ये वीडियो में भी ट्राई करूँगा कि हर एक चीज़ कवर करने का। वैसे मैंने मुंबई से सेलम आते हुए का वीडियो भी मैंने बहुत सारे कुछ कवर किया है, अगर नहीं किया रहेगा तो वो सब चीज़ ये वीडियो में मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो का स्किप के बिना पूरा देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो पे चलते। गाइस, अपना ट्रेन आ गया है। यहाँ से इंजन का भी एकदम मस्त लग रहा है। ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन यहाँ से निकल गए ऑन टाइम। 11:20 का टाइम दिया गया था और 11:20 शार्प ट्रेन आ गया एंड 11:25 को ट्रेन यहाँ से निकल गया। होपफुली कल आफ्टरनून 1:45 का शेड्यूल टाइम अब अरेवल दिया है, तो मुझे लग रहा है कि इसे ये टाइम मैंने सुनने में आया कि इसका टाइम जो रहता है ऑन टाइम ट्रेन रीच करती है अपने डेस्टिनेशन को। तो होपफुली अपन ऑन टाइम रीच हो गए घर पर भी, देखते हैं। वीडियो में बने रहिए। एक्चुअली और भी बहुत जैसे अंदर आने का बैठने का सब कुछ दिखाने वाला था वीडियो पे, लेकिन क्या करें, लास्ट मोमेंट में कोच चेंज हो गया था फ्लाइट ट्रेन का, तो पीछे से पूरा आगे तक पूरा बैग लेके भागना पड़ा और ट्रेन निकलते निकलते बच गया। लास्ट मोमेंट में ट्रेन में चढ़े थे हम लोग, वो भी 2-3 लोग अलग अलग कोच में चढ़ के। लास्ट में अब भी जस्ट हम लोग सब एक दूसरे को मिले थे। चले फिर अभी जाता हूँ, कुछ कहा पे के आता हूँ वापस आपसे मिलने के लिए। और मैं आप लोगों को ये जगह पे ये भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप जब भी ट्रैवल करते हो ट्रेन में घर से बना कर लेके आइए, क्योंकि आप लोग को कोई भी चीज़ मिलेगा नहीं और जो भी मिलेगा फिर भी वो सेफ भी नहीं अभी ऐसे सिचुएशन में। तो प्लीज़ घर से बना कर लेके आइए और ट्रेन में खाइए। यहाँ से देखो अपना इंजन भी दिखा एकदम क्लियरली, ट्रेन मस्त टर्न मार रहा है। कितना अच्छा व्यू, ये सब छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है। हेलो गाइस, अभी हम बेंगलुरु में, यहाँ पे अभी इंजन चेंज होगा तो 1 घंटे का हॉल्ट होगा, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि आपसे थोड़ा बात करता हूँ। आइस को थोड़ा इग्नोर कीजिए, थोड़ा मैं सो रहा था उसके वजह से थोड़ा बहुत लगेगा आइस थोड़ा सूजा जैसा। और यहाँ पे इंजन चेंज होता है तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा करके। मेरा एक वन ऑफ फेवरेट स्टेट में बेंगलुरु भी है, मुझे बहुत पसंद है बेंगलुरु में रहना। मैं बेंगलुरु में थोड़ा 2-3 दिन रह चुका हूँ, वहाँ पे घूमने आया था, मस्त अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कहीं जा नहीं सकते, तो एक बार लॉकडाउन के बाद बैंगलोर भी जरूर आऊँगा और वो वीडियो भी अपने चैनल में अपलोड करूँगा। ये देखो यही है अपना इंजन, और यहाँ पे इंजन निकल गया है। अभी ये आगे जा रहे और इसको मूव करेगा आगे, देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे बारिश हो रहा है तो मैं तो अंदर जाता हूँ, या तो मैं भी भीगूंगा और मोबाइल भी भीगेगा। आप लोग यहाँ पे क्लाइमेट भी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है करके, एकदम क्लाउडी है। और यहाँ पे गुड्स का लोडिंग भी चल रहा है। देखना अपना कोच अभी आगे है। यहाँ पे एकदम जबरदस्त बारिश हो रहा है। Thank you.
ये देखो बैंगलोर का सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ और एक है, और यहाँ पे अपना सन। गाइस अभी हम गुंडक्कल जंक्शन में हैं, जो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11 बज गया है। अभी जाता हूँ थोड़ा खा पी के सो जाता हूँ, फिर तुम्हें मैं मॉर्निंग में मिलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम गुरुद्वारा स्टेशन में जो महाराष्ट्र का अंदर आ चुके हैं। अभी अराउंड हो रहा है 6:45, अभी के हिसाब से तो टाइमिंग अपना ऑन टाइम चल रहा है ट्रेन, तो हम 2 बजे तक तो आराम से कुर्ला पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं कैसे चलता करके ट्रेन ऑन टाइम जाता ही है, वेट करके देखिए आप लोग भी। गाइस अभी हम पुणे जंक्शन पहुंच गए और यहाँ पे अभी आधा घंटा ट्रेन रुकेगा, लेकिन निकल रहा है ट्रेन। और यहाँ पे वड़ा पाव बहुत मज़ा आता है खाने में, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से मैं भी वड़ा पाव कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो आप भी अवॉइड कीजिए ऐसे टाइम पे कुछ खाने का बाहर का। पुणे जंक्शन तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत लोग मास्क पहने हैं और बहुत सारे लोग तो मास्क के बिना ही हैं, और थोड़े बहुत लोग मास्क को बराबर पहन भी नहीं है, लेकिन अभी इनके तो आप कुछ बोल तो नहीं सकते। बस ऐसे टाइम में खुद सेफ रहना है अच्छे। लोनावाला यहाँ का व्यू देख सकते हो, मस्त, एकदम मस्त लग रहा है देखने में। अभी हम लोनावाला क्रॉस करके जा रहे हैं, अभी बारिश भी हो रहा है तो उसके लिए और मस्त लग रहा है व्यू देखने में। अभी हम पहुंचे कल्याण जंक्शन, अभी इसके बाद आएगा ताने, फिर अपना कुर्ला, बस अभी एक स्टॉप बीच में बचा है, उसके बाद अपना स्टेशन आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गुड्स का ट्रेन भी सामने का रहा। जब आप पहले बचपन में ट्रैवल करता था तब मैं और मेरा भाई सब बैठ के इसको गिनते थे डब्बे को, 1, 2, 3, 4 करके, कौन किसका बराबर आता है करके, पता नहीं चलता किसका बराबर, लेकिन जिसका ज़्यादा आता है वो जीतता है। तो हम लोग आग बंद करके गिनते रहते थे, गिनते थे 1, 2, 3, 4, 5 करके। अभी ये डिब्बा को देखकर वही याद आ गया। चलो लोकल ट्रेन भी दिख गया अपन को, और साथ साथ कुर्ला स्टेशन भी आ गया। फाइनली आ गए कुर्ला लोकमान्य तिलक। वन फोर्टी तक का शेड्यूल टाइम ऑफ अरेवल था और टाइम हो रहा अभी 1:49, मतलब 4 मिनट से लेट हुआ,
अभी ऑन टाइम आ चुके हैं। पहले फिर अभी फटाफट लगेज सब निकाल के रख कर निकलते हैं। गाइस अभी हम ट्रेन से उतर गए एंड अभी हम जा रहे हैं घर पे, जो यहाँ से हम घर पहुँचने में 25 to 30 minutes लगेगा टैक्सी में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते। फाइनली अभी हम घर पहुंच रहे हैं और यहीं पे अपने वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक करके और साथ साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, एंटिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू।